चैनल मीरा गुप्ता इंडियन रेसिपीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मिल्क केक का बनाना दिखाएंगे। आज हम मिल्क केक बनाएंगे। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, इसका बनाना भी आसान है। इसकी सामग्री इस प्रकार है, वीडियो को पूरा देखें। फुल क्रीम दूध 1 लीटर, 1 लीटर दूध का खोआ बनाया हुआ है, ये पहले बना लिया था। खोया बनाने का वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दर्शाया गया है। चीनी 5 टेबल स्पून, देसी घी 2-3 टेबल स्पून, फिटकरी 1-2 पिंच डालेंगे जरूरत के हिसाब से। अब दूध को गर्म करेंगे। दूध डालने से पहले कढ़ाई को धो लें, इससे दूध लगेगा नहीं। अब इस पानी को निकाल देंगे। कढ़ाई का पानी निकाल दिया है, इसमें दूध डालेंगे। दूध खुलने के बाद में गैस जलाएंगे। अगर खोआ पहले का बनाना हो तो 2 लीटर दूध ले सकते हैं। गैस जलाने के बाद इसे 1-2 बार इस तरह से चला देंगे, इससे नीचे जले नहीं। उबाल आने तक गैस को तेज रखेंगे, उसके बाद कम करेंगे। दूध में उबाल आ चुका है, गैस को मीडियम कर देंगे। मिल्क केक जमाने के लिए कैस्ट्रॉल लेंगे, इसमें उबलता हुआ पानी डालेंगे जिसे अंदर से भी गर्म हो जाए। इसे बंद करके रख देंगे, इससे अंदर से कैस्ट्रॉल पूरा गर्म हो जाएगा। इस तरह से चारों ओर से छुटाते जाएंगे और नीचे से भी चलाते रहेंगे। दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो इसमें खोआ डाल देंगे। कभी कभी दूध होता है तो खोआ पहला बना लेते हैं, नहीं तो इस टाइम पे 2 घंटे लगते हैं बनाने में, तो इस तरह से जल्दी बन जाता है। खोआ इसमें मिल चुका है। डेरी को पीस कर इस तरह से पाउडर बना लिया है। अब 1 पिंच इस तरह से लेंगे और फिटकरी डाल देंगे, इसे चला देंगे। हल्का सा दाना बनाना होता है। दूध में अगर दाना ना लग रहा हो थोड़ा सा फिटकरी पाउडर इस तरह से डालेंगे और इसे चला देंगे। इसी तरह से गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अब दूध काफी गाढ़ा हो चुका है। अगर इस तरह से दाना ना बना हो तो 1 पिंच फिटकरी पाउडर और डाल देंगे। जब गाढ़ा होने लगे गैस को कम कर देंगे, जिससे ये चारों ओर लगे नहीं। जब गाढ़ा होने पर आता है तो इसे बराबर चलाना होता है, नहीं नीचे से जलेगा। अब इसमें चीनी डाल देंगे, स्वाद अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। इसे नीचे से लेते हुए इस तरह से चलाना है, नीचे जले नहीं। जब इस तरह से गाढ़ा होने लगे तो इसमें 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। जब ये गाढ़ा होने लगता है तो इसमें छींटे पड़ते हैं, तो इस तरह से एक ढक्कन लगा लें, इसे छींटे अपने ऊपर ना आए। इस तरह से बराबर चलाते रहेंगे, गैस को कम कर लेंगे। जैसे जैसे गाढ़ा होने लगेगा
तो इस तरह से बराबर चलाना है। जमने के हिसाब से गाढ़ा हो जाए तब तक इसे इसी तरह से चलाएंगे। खोआ बिल्कुल दानेदार बन चुका है। जब तक खोआ बनने है लंच पैक बॉक्स में घी लगा लेंगे। इस जगह कोई स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं। ये हमने इसको डबल कर लिया है जिससे ये मोटा रहे। अब इसमें घी लगा देंगे। इस तरह से चारों ओर घी लगा लेंगे। लंबी केक लगाएं, अच्छी तरह छूट जाए। घी डालने से और ये अच्छा भून जाता है, इसलिए घी डाला जाता है। अब इस तरह से ये गाढ़ा हो चुका है, काफी कढ़ाई से भी छूटने लगा है। अब गैस बंद कर देंगे। इस तरह से पिंक हो जाए तब जमाएंगे। अब इस खोए को इसमें डाल देंगे। अब इसे सेट कर देंगे। अब इसको इस तरह से कवर कर देंगे और इसको चारों ओर से दबा देंगे जिससे इसकी हीट इसी में रहे, ये और पके, तब ये अंदर से और लाल हो जाएगा। कैसरोल हमने गर्म किया था, इसका पानी निकाल देंगे। इसका पानी निकाल दिया है, इसे पोंछ देंगे। अब इस बॉक्स को इसके अंदर रखेंगे, इसे बंद कर देंगे। अगर ज़्यादा बना रहे हो तो कंबल में लपेट के भी रख सकते हैं। 5-6 घंटे के लिए इसे पकने के लिए रखेंगे जिससे मिल्क केक डार्क हो जाएगा। 6 घंटे हो गए, अब इसे खोल के देखेंगे। ये अभी भी गर्म है, इसे हम निकाल लेंगे। अब इसे नॉर्मल होने के लिए रखेंगे। जब ये नॉर्मल हो जाएगा तब इसे डीमोल्ड करेंगे। 1 घंटा हो चुका है, अब इसे डीमोल्ड कर लेंगे। अब मिल्क केक को निकाल लेंगे। इस तरह से इसे फाड़ देंगे तो इसे निकाल लेंगे। इस तरह से चारों ओर फाड़ कर निकाल लेंगे। प्लेट में निकाल लिया है, अब इसे पीस काट लेंगे। ठंडा होने के बाद ही पीस अच्छे कटते हैं। बहुत अच्छा मिल्क केक बनकर तैयार है। स्वादिष्ट दानेदार मिल्क केक बनकर तैयार है। मिल्क केक को आप भी घर पर बनाइए, खिलाइए और खाइए। आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस एंड स्क्रीन में हमारे चैनल के तमाम वीडियोस की प्लेलिस्ट दिखाई गई है। इन वीडियोस को देखकर रेसिपीज बनाने का लाभ उठाएं और अपना अनुभव हमारे चैनल के साथ शेयर करें।